सहेली सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को राजुल और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता के साथ आज हम बहुत दिन के बाद हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा तो लगता है जब बहुत दिन बाद मिलते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ कुछ बातें रहती हैं जो याद भी रह जाती हैं। तो जो ये क्या खास क्या है? हाँ, मिलने मिलाने की जो बातें हैं पहले तो वही बहुत खास होती हैं और दूसरी चीज ये है कि जो नवीनता एक होती है जो राजुल जी वो बहुत ही सुंदर सुहावनी लगती है, जैसे कि आजकल मौसम में छाई हुई है, है ना, एकदम हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। हाँ ये है कि कहीं थोड़ी बारिश कम है लेकिन हाँ मुंबई में तो अच्छी है, तो बस कहीं ज्यादा भी है भाई। हाँ कहीं ज्यादा भी है ना। तो नवीन नवीन जब हम लेकर आते हैं कोई ना कोई बातें अपने इस कार्यक्रम के लिए या अपनी सखियों के लिए सखाओं के लिए तो उसमें भी नवीनता बड़ी अच्छी लगती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में हम बात करेंगे और सखी विशेष में जोधैया बाई बैगा है। और ये बता दें कि ये सहकारिता दिवस हालांकि 6 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई के पहले शनिवार को, लेकिन अब शनिवार को तो हम मिलेंगे नहीं ना, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। जी। और इसके अलावा हम विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में भी बात करेंगे। हाँ। और एक खास बात तो ये भी है कि हम जब याद है ना बचपन में जब कभी तोता या मैना दिख जाते थे तो हम बड़े प्यार से उनको खिलाते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो जाना कि पिंजरे में बंद इन पक्षियों को कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि अगर हमें कोई थोड़ी देर के लिए बैठा दे एक जगह पर तो बड़ा बुरा लगता है। जी। तो पिंजरे के पक्षियों के बारे में कुछ बात की जाए, उनके दिल की बातें करेंगे आज। और ये बताओ ना आज कुछ खाना पीना भी तो है ना व्यंजन। हाँ, फिर समय से भूख लग जाएगी। हाँ। लेकिन एक बात है ना कि व्यंजन हम तो बता ही रहे हैं, हमारे जो सखियां है ना उनकी रसोई में भी बड़े चटपटे व्यंजन बन रहे होंगे, कुछ मीठे भी बन रहे होंगे, खासतौर से इस बरसात के मौसम में। हाँ। तो जरा सोचिए और भेजिए, फट से रेसिपी भेज दीजिए कि कौन सा व्यंजन आप आजकल खास तौर से बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, और हम एक गाना सुन ले। हाँ, सुनते सुनते वो बनाएंगे तो।
एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल पर है चला जाए न शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। और आया है नहीं आएगा, सहकारिता दिवस कल इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हाँ। भाई है तो ये दिन उत्सव की तरह। देखो हमारे साथी लिखते हैं कि एक गुजराती मुहावरा है, अच्छा। बिना सहकार नहीं उद्धार, मतलब सभी के साथ सहकार बिना हम विकास नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो हर साल जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया गया था। इसका इतिहास साल 1923 में हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अंतर्राष्ट्रीय ये दिन जो है वो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलन की सफलताओं और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और विश्व शांति के आदर्शों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अन्य जो लोग होते हैं उनके बीच साझेदारी को मजबूत करना और विस्तारित भी करना है। तो ये तो बहुत जरूरी बात है कि आपस में एक दूसरे से जो कड़ी जुड़ती है राजुल, वो बहुत जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से जब किसी तरह का जीने के लिए या जो रूबरू होते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी से, तो उसके लिए जो आदान प्रदान जरूरी होता है, जो एक दूसरे का सहारा जरूरी होता है, वही एक तरह से सहकारिता है और ये हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। बिल्कुल, आप सहकारी उद्यमों को मजबूत बनाना, बेहतर पुनर्निर्माण करना, युवाओं की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का कैसे सामना करें, मिनी माइक्रो फाइनेंस की उपलब्धता, इन सब बातों के बारे में सहकारी संस्थाएं जो हैं वो एकदम अग्रसर हैं। हाँ। और अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। तो रोजगार मुहैया कैसे हो, वैश्वीकरण सहकारी उद्यमों का विकल्प किस प्रकार हो और इन सारी चीजों में किस प्रकार परस्पर सहयोग किया जाए, ये सब इसके साथ ही एक लक्ष्य भी निर्धारित हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता और उस पर काम भी सब लोग करें, तो यही सब तय करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं वो ही बाद में बहुत माने रखती हैं और छोटी चीजों से एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ती जाती है। जैसे किसी भी चीज का अगर उदाहरण ले लें कि किसी एक काम को करना है अगर, तो कोई एक व्यक्ति भी है जो दक्ष है उस काम में, तो वो चार लोगों को आगे साथ लेकर चल सकता है। बिल्कुल। अगर हम शिक्षा में देखें तो शिक्षा में भी सहकारिता नजर आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसे एक बंधे बंधाए कहते हैं कि नियम में उसको हम उतारते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि अगर जो भी शिक्षा में आगे हैं वो आगे आए और जिनको भी जरूरत हो, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, जो जहां तक बढ़ सकते हैं उन्हें वहां तक बढ़ के पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो इसमें भी कई तरह से जो है वो सहकारिता देखने में नजर आती है और इन चीजों का भी वैश्वीकरण बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटी छोटी सी छोटे छोटे से उद्यम होते हैं राज्य, है ना, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहरों के हो, या उसमें हमारी बहनें जो हैं या हमारे भाई जो भागीदार होते हैं, तो वो धीरे धीरे से उसमें एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई छोटा सा एक लघु उद्योग ही ले लीजिए, कितना बड़ा बन जाता है। हाँ, कितना बड़ा बन जाता है। और इस तरह के बहुत सारे
उदाहरण अगर आप देखेंगे तो देखने में आते हैं। सजावटी सामान है, घर के इस्तेमाल की चीजें हैं, रसोई घर में काम आने वाली कितने ही खाद्य पदार्थ खाने के सामान है, इन सभी के लिए जो एक मिलजुल कर काम करने का वो होता है। ये तो हम बहुत छोटे स्तर पर बता रहे हैं, और सहकारिता तो इसी तरह छोटे छोटे कदमों से जो होता है ना, आगे बढ़ने का, विशाल एकदम पर्वत तक पहुंचने का वो अभियान है। और उसमें दोनों जितना साथ लेकर चलता है उतना ही बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, और दोनों चीजें आगे बढ़ती हैं। एक अगर हम समाज की बात करें, दूसरा अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ती हैं। और इस तरह की प्रणाली जो है बैंकिंग वगैरह में भी देखी, बैंकों में देखी जा सकती है कि भाई कोई पैसा रखना है, कुछ रखना है, तो वो हम लोग बैंक की सहायता लेते हैं। इसी तरह बैंक जो होते हैं वो मुहैया करवाते हैं दुनिया भर की जो सहायताएं होती हैं। तो ये सब एक दूसरे से ही संभव हो पाता है। और एक दूसरे से जानती हूँ और भी एक चीज संभव होती है, जब हम अच्छी चीजों को लेते हैं तब तो सकारात्मकता रहती है, तरक्की होती है, विकास होता है। लेकिन कई बार जब हम संक्रमण ले लेते हैं तब तब जो है बीमारियां फैलती हैं। और विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो 6 जुलाई को मनाया जाएगा। ये इसी बारे में बात करता है कि किस तरह संक्रमण जो है वो कैसे खोखला कर देता है और किस तरह फैलता है। तो ये विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने जूनोसिस से का रोग का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था, जो विश्व जूनोसिस दिवस को इसी दिन इसीलिए मनाया गया। और बीमारियों के खिलाफ जो टीकाकरण शुरू हुआ उसकी वर्षगांठ का प्रतीक है ये 6 जुलाई का दिन। जी जो संक्रामक रोग होते हैं। हाँ। तो जूनोटिक रोग जो होते हैं विषाणु संक्रमण के कारण होते हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फिर कवक ही क्यों ना हो, इन्हीं के कारणों से फैलते हैं। वायरल जूनोस, रेबीज, इबोला और COVID-19 इनमें शामिल है। और टेक्सो प्लाज्मोसिस ये बिल्लियों से फैलता है, और लिशमैनियासिस भी, ये भी एक तरह का रोग है जो परजीवी जूनोज में आते हैं। फंगल जूनोज की बात करें या वन्य जीव जूनोज, इसमें बर्ड फ्लू वगैरह भी आ सकते हैं। तो सीधे पशुओं के संपर्क में आने या काटने से भी, जैसे कुत्तों वगैरह के काटने से भी बुखार या फिर जो बीमारियां होता है या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन इन्फेक्शन की होती हैं, जो त्वचा के रोग को जन्म देती हैं, या फिर हम क्यों ना बात करें डेंगू के तरह के रोगों की भी, तो ये वाहक होते हैं और इससे बहुत बचने की, समझने की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की बात है। और अगर हम कभी ऐसा होता है कि जानवरों को के बहुत नजदीक हैं, तो हमें अपने आप को तुरंत उसके बाद डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें जो अभी तुरंत करनी चाहिए वो है कि हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। छोटा सा अंतराल पूरा हो गया और हम लौट आए हैं सखी सहेली कार्यक्रम में। संगीता, हम जूनोसिस, विश्व जूनोसिस दिवस की बात कर रहे थे। तो आगे इस बात को करें इसके पहले गाना सुन लें। जी इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम Thank you.
कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जगते हुए बीत जाती है, जब इस तरह के रोगों से पाला पड़ता है, खासतौर से बच्चों को बड़ी तेजी से शिकार बनाते हैं। हाँ, तो सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। और जहां तक इस मौसम का सवाल है राजुल, देखिए आगे बढ़ता है जैसे मौसम, यानी कि बदलता है, तो उस समय जो खतरा होता है इन जीवाणुओं के पनपने का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे मौसम में तो और भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सावधानी बरतें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस एक बीमारी है जो पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैलती है। इसके प्रतिरोध हेतु फ्रांसीसी वैज्ञानिकों में एक लुई पाश्चर ने रेबीज नामक बीमारी, जो मुख्यतः जो है वो कुत्ते के काटने से फैलती है, उसके विपरीत एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की। इस हेतु आज का ये वैश्विक दिवस उनकी स्मृति में हर साल मनाया जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जूनोसिस दिवस का मुख्य उद्देश्य किसानों को जूनोटिक रोग के जोखिम और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में शिक्षित करना, पशुओं के साथ निकट संपर्क के कारण किसानों को जूनोटिक रोग होने का जो खतरा होता है वो अधिक होता है। लेकिन देखना तो ये है कि खाली किसान भाइयों को ही नहीं, बल्कि सभी को जूनोसिस जो है ये दिन जो मनाया जाता है वो इस विषय में सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। जागरूकता
रखने के लिए ही कि सब जागरूक रहें और समझें इस खतरे को। देखो ऐसा है ना कि संक्रमण जो है वो किसी भी तरह से फैल सकता है, दूषित पानी से भी फैल सकता है। कई बार एक रोग जब आया था, जब किसी जानवर का जूठा फल खाने से वो रोग फैल रहा था। इस तरह के रोग भी होते हैं, इस तरह के रोग भी होते हैं कि सीधे सीधे कोई मच्छर काट ले वो भी रोग होते हैं, मुर्गियों से भी होते हैं। तो किस तरह से होगा ये बात हम नहीं जान सकते, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और खासतौर से तब जब हम पशुओं के सीधे संपर्क में आ रहे हैं या पक्षियों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं, तब हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से अपने को अच्छी तरह से साफ कर लें, तब हम कुछ खाने पीने की चीजें छुएं या हम अपने शरीर के उस भाग को मुंह तक ले जाएं जहां पर उस जानवर का स्पर्श हुआ है। और घर में भी इस तरह के, अगर मान लीजिए हमने पेट्स पाले हुए पालतू पाले हैं, तो उनका भी इस को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए कि कुछ इस तरह की बीमारी ना होने पाए। पशुधन के भी विषय में सतर्क रहना चाहिए, और जो सतर्कता है वो अनुचित जो एक स्वच्छता है उसको ना बरतें बल्कि स्वच्छता बरतें। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पशु पक्षियों के खाने का जो बर्तन होता है उसे भी दो तीन बार चार बार उसमें ही खाना दे दिया जाता है, और उसके बाद उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि जो जब इन्फेक्शन फैलता है या फिर जब संक्रमण फैलता है तो वो कहा नहीं जा सकता कि कहाँ किस चीज पर कितना ज्यादा संक्रमण कहाँ तक पहुंचेगा। बिल्कुल, तो पशु पक्षियों के बर्तनों की भी जहां तक बात है वो सब साफ सुथरा, और साथ ही साथ जो घर है उसकी तो बहुत अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि पेट्स जो हैं वो ज्यादा घर के अंदर भी घूमते हैं। तो जो ये बहुक्षेत्रीय सहयोग है रोकथाम के लिए, उसमें जनजागरण या फिर वन हेल्थ सहयोग कह सकते हैं का दृष्टिकोण जो है वो मानव स्वास्थ्य या पशु स्वास्थ्य, क्योंकि दोनों ही परस्पर जो है वो इससे शिकार होते हैं। तो चाहे पशुओं की बात करें चाहे हम इंसानों की बात करें, सभी में जो तालमेल है एक वो सही रखना चाहिए, जो एक दूरी है वो भी सही रखना चाहिए। और स्वास्थ्य के विषय की जहां तक बात है तो स्वच्छता और साथ ही साथ टीकाकरण जो इंसानों का भी साथ ही साथ पशुओं का भी होता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, और सफाई की जहां तक हम बात करें तो खास ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाथ धोना जो कि हम करते ही हैं, और खाना बनाते समय सफाई से खाना बनाना, खाना बनाने से पहले हाथ धो लेना, उन बर्तनों को ढककर रखना जिनमें खाना हमने बनाया है, और उन्हें पशुओं के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचाने की कोशिश करना, और उचित अपशिष्ट निवारण भी करना है। मतलब जो बचा हुआ बची हुई चीजें हैं, खाना बचा हुआ है उसका भी हम ठीक से उसको फेंकें, जो बहुत बार देखा गया है कि कचरे में पड़ी रहते हैं खाने की चीजें, तो वो भी ना हो। और पशुओं का भी जो अपशिष्ट होता है उसे भी हम ठीक तरीके से डिस्पोज करें, ये ध्यान रखना है। सुबह जब टहलाते हैं तब तो बहुत खास करके। अच्छा, मोबाइल चिकित्सा जो पशु चिकित्सा इकाई जो है जिसमें रोग का जो पशुओं से संबंधित होते हैं उनका निदान उपचार और सर्जरी का प्रबंध उसमें भी होता है, तो कोई अगर आपको लगता है कि पशु आपके घर का पालतू अगर बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुरंत जो उनके डॉक्टर होते हैं उनको आप दिखाएं। और कुछ एक चीजें जो है वो बहुतायत तौर पर होती भी हैं सरकार की तरफ से भी, और जो कहते हैं कि एक यूनिट जब मिलकर करता है तो उसलिए जैसे कि पशु जन्म नियंत्रण वगैरह है तो एक नियंत्रण भी इस पर रखा जाता है। सतर्कता बहुत जरूरी है, जागरूक रहें और पालतू पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, टीकाकरण भी उनका समय। भाई अभी तुमने कहा था ना वन हेल्थ नजरिया अपनाना होगा कि एक नजर से ही सबकी सेहत को देखना होगा, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, कि उनको हमसे और हमको उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जब हम ये बात सोच लेते हैं, तो इस तरह के जो जूनोटिक रोग होते हैं उनको फैलने
का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। और इसमें जीवन का भी बड़ा खतरा रहता है, चाहे वो पशु पक्षियों की बात करें। आप देखिए, जहाँ पक्षी इससे प्रभावित होते हैं या जानवर प्रभावित होते हैं तो बहुतायत की संख्या में कई बार मर जाते हैं, है ना। तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमें इस समय एक गाना सुन लेना जरूरी है। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं, हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे। संगीता, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। हाँ, छोटे से अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं राजुल और
संगीता सखी सहेली कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पशुओं से फैलने वाले संक्रमण के रोग की रोकथाम करने के लिए जो दिन मनाया जाता है अभी हमने उसकी बात की विश्व जूनोसिस दिवस और अब हम सखी विशेष के तरफ बढ़े जोधैया बाई बैगा हमारी एक श्रोता ने लिख भी दिया है बहुत सारा इनके बारे में और कई श्रोताओं ने लिखा भी है तो जोधैया बाई बैगा मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोधा गांव में रहने वाली एक भारतीय ललित कलाकार हैं। इनकी माँ का नाम भूरी बाई और पिता का नाम टंकारिया बैगा है। काफी छोटी उम्र में इनकी माता इन्हें छोड़कर चल बसी। कुछ समय बाद पिता का भी साथ छूट गया। कम उम्र में ब्याह भी हो गया। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहा और पढ़ने लिखने में रुचि होने के बावजूद भी ऐसा अवसर उन्हें नहीं मिल पाया कि वो पढ़ सकें। एक आम साधारण स्त्री की भांति घर के कामकाज और किसी खास मौकों पर घर की दीवारों पर कुछ पारंपरिक चित्र भी उन्होंने उकेरे जैसा कि अक्सर होता है और अलग अलग तरह की जो कलाएं थी उन्हें वो उकेरा करती थी इस चित्र में। इस बीच पति भी दुनिया से रुखसत हो लिए और बच्चों और परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। दिन भर की मजूरी और बच्चे भी कुछ काम करते थे यानी कि सब मिला जुला कर जो घर का काम था खर्चा था वो चलता था। साथ ही बैगा भी प्राकृतिक रंगों से चित्रकारी करती रहती पहले राज्य स्तर फिर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। तो इस तरह से कुछ ही वर्षों में बैगा कला की मुख्य धारा में शामिल हो गई। संग्रहालय और आयोजित कार्यशालाओं में इनकी सहभागिता रही और 2018 में शांति निकेतन में चित्र प्रदर्शनी इसके अलावा मिलान में इटली में जो एक कला दीर्घा में चित्र उनके प्रदर्शित हुए और पटना कला दीर्घा में भी इनकी कला प्रदर्शित हुई। फ्रांस इंग्लैंड जापान की कला दीर्घाओं में भी हुए और मतलब बहुत सारे देश विदेश में इनकी कला पहुंची। जो घर में सिमटी हुई थी वो उसको आखिरकार विस्तार मिला और आकाश जैसा विस्तार मिला कि विदेशों तक पहुंची। हाँ और कला ऐसी होती है देखिए राजुल जी कि वो एक कहते हैं ना कि छोटे से गांव से फिर शहर तक और शहर से फिर एक राज्य तक और फिर वहां से फिर देश में और फिर विदेश में तो इससे हमारी कला और संस्कृति का भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रसार और प्रचार होता है। जबकि एक व्यक्ति का इस पर रुझान समझ में आता है और वहीं बहुत सारे लोग उस क्षेत्रीय कलाओं को हम कह सकते हैं कि जानना शुरू कर देते हैं। हाँ तो ये हमारी धरोहर हैं और हमारे पीढ़ियों से चली आ रही ये कलाएं हैं जिन्हें मनोयोग से जिन्होंने जैसे कि हमारी आज की जो सखी विशेष हैं इन्होंने मनोयोग से उसे थामे रखा उसे छोड़ा नहीं और करती रही और आज इनका नाम चारों तरफ फैल गया। जी जी तो धीरे धीरे इन्होंने ये जो चित्रकारी थी वो सीखी और तस्वीर खाना में जा करके ये प्रैक्टिस किया करती थी देखा करती थी वहाँ और जो भी कुछ बनाना होता था वो बनाती थी। फर्श पर इन्होंने रंगोली बनाया उसके बाद सब्जियों पर भी चित्रकारी की लकड़ी पर भी इन्होंने जो चित्रकारी थी वो की कागज और फिर कैनवास पर चित्रकारी की। मिट्टी और धातु का भी उपयोग इन्होंने किया अपनी चित्रकारी में। तो कैसे सकते हैं कि जो एक प्राकृतिक चीजें होती हैं उनसे जो रंग लिए जाते हैं उस सच्चा पर कलाकार तो वही है जो चीज हाथ आए उसके वो कुछ मिट्टी ना कुछ को भी सोना कर दे बना दे कुछ ना कुछ लिख दे। तो कुछ इसी तरह का इनका भी हुनर रहा और धातु का भी इन्होंने इसमें खूब उपयोग किया। और उनके घर परिवार में उनके पोते हैं जो मुखौटा बनाते हैं जिसे वो पेंट करती हैं। क्या बात है दादी पेंट करती हैं पोते के बनाए हुए मुखौटे को। और कितना मतलब अंदर से कितनी संतुष्टि मिलती है और कितनी खुशी होती है जब जो हमें बुजुर्गों से अपने पूर्वजों से मिला उस कला को हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं और वो पीढ़ी उसे वैसे ही अपनाती है जैसे कभी हमने अपनाया था। तो ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। वैसे इनकी जो कला है उसे मान सम्मान तो मिला ही मिला बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है ना। कौन कौन से पुरस्कार मिले? नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी इन्हें 2023 में जो था वो सम्मानित किया गया। तो जो बैगा हैं वो
जो धैया बैगा हैं वो हम सब के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्रेरणा स्वरूप हैं। कि कई बार ऐसा होता है राजुल कि हम जीवन से हार मान जाते हैं, घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि बस नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इस तरह के लोगों को देखते हैं इनके तरह के, तो ये होता है कि भाई हर एक को ईश्वर ने कोई ना कोई हुनर दिया है और जिस भी हुनर को दिया है उस हुनर को पहचाने और फिर उसमें आगे आए। तो अगर कोशिश की जाए तो ये किया जा सकता है, जैसा कि इनके जीवन से हमें समझने को, देखने को और सुनने को मिलता है। क्योंकि बहुत ही कम समय में इन्होंने, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा घर परिवार में निकल चुकी थी और बहुत कम समय में इन्होंने अपनी चित्रकारी को कह सकते हैं कि एक रंग दिया और उसे थोड़े समय में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। तो इनकी ये एक खास बात है जो हम सबके लिए एक मिसाल है। तो बहुत सारी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए और इनकी चित्रकारी खूब आगे बढ़े। और देखो इन्होंने हमारे एक साथी ने लिखा है कि संघर्ष के इनके दिनों की बात, कि वो जंगल से खाद, जलाऊ लकड़ी और मेवे बेचकर पैसे कमाती थी घर चलाने के लिए। मतलब कितनी तरह के जद्दोजहद से गुजरना पड़ा उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसा तुमने भी कहा ना, कि अपनी कला को निखारा और आगे बढ़ती रही। तो एक प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तित्व से जब हम उनके बारे में सुनते हैं या जानते हैं। तो और कितना कठिन भी होता है ना कि घर का काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, चाहे वो जिस तरह से कमाती, बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर वो तस्वीर खाना में जाना और वहां पर काम करना और उसको सीखना, उस पर समय देना और कला को आगे बढ़ाना, कितनी बड़ी बात होती है। बस ये अंदर का जुनून है, जोश है जो जागता रहता है।
दोनों दीवाना बेकसूर है। भाई रोकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बातों का जब दौर चलता है ना तो रोके नहीं रुकता है, लेकिन बातों के बीच में कई बार कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि पिंजरे के पंछी सच में देखा जाए तो हम सभी भले ही चांद सूरज तक पहुंचने के प्रयासों में लगे हैं, लेकिन वास्तव में हम तो पिंजरे के पंछी ही हैं, और सच ऐसे पंछी हैं जिसका दर्द ना जाने कोई। दावा हम लोग भले ही करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि अल्पज्ञ कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। फिर वह सर्वज्ञ ही सर्वशक्तिमान, व्यापक और कर्तुम कर्तुम मन्यथा कर्तुम में समर्थ हो सकता है। हम लोग तो केवल उसके डार्क मैटर के अन्वेषक ही हो सकते हैं। तभी तो कवि प्रदीप की उन्होंने पंक्तियां साझा की हैं कि पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई। तो भाई इन्होंने पिंजरे के पंछी का अर्थ तो दिया, बड़े और बड़ी जो व्यंजना है बड़ी सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ गया पढ़कर इसको, तो संदेश को। पिंजरे के पंछियों की हम लोग बात करने वाले हैं आज संगीता। तो पिंजरा खोल के देखे बिल्कुल तो बड़ा ही सुंदर लगता है जब पंछी उड़ान भरते हैं, है ना। तो उनको बंद करके रखने में उनको मतलब अजीब सा ही एक बात होती है, और बस वो भी यही सोचता रहता है कब ये पिंजरा खुले और कब उड़ जाए। तो उसकी इंसान, जो इंसान को भी ऐसे बंधन नहीं अच्छा लगता। नहीं तो कहते तो है भाई पंख होते तो उड़ जाते। देखिए वो गीत भी है इतना सुंदर, तो पंछियों की उड़ान का तो क्या कहना है। और खुशी मिलती है उनकी खुशियां देखकर भी। अब वैसे अगर देखा जाए तो ईश्वर ने जो बनाया है वो पेड़ों को बनाया है जिसमें पंछी आते हैं अपना आशियाना बनाते हैं और सुबह उसके बाद कोलाहल करके शाम को फिर लौट जाते हैं, तो वो उसमें ही बहुत अच्छे लगते हैं। ना कि अगर उनको बिल्कुल से पिंजरे में डाल दिया जाए तो फिर अकेले से बिल्कुल पड़ जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि जो इंसान है उसे पिंजरे में बंद करके प्यार करना चाहता है, जो पंछी बड़े नाजुक होते हैं, है ना। लेकिन आप उन्हें ऐसे भी प्यार कर सकते हैं जब वो आपके आंगन में आते हैं, दाना चुगते हैं, या फिर जब आप देखते हैं कि भाई फूलों के पेड़ पर भी बड़ी छोटी छोटी सी चिड़ियां आ जाती हैं और इधर उधर उधर, यहाँ तक कि तुलसी जी के पेड़ पर भी आ जाती हैं, तो उनको उनको तो आप घर आंगन में वैसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और देखो हम देखते हैं ना कि बहुत बार रसोई में कौवे की आवाज सुनाई देती है, या कोई तोता आ जाता है और आपके हाथ से कुछ खाता है, तो कितनी खुशी मिलती है। और इंतजार भी होता है, इंतजार होता है। उड़ गया तो फिर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो पंछियों से अगर लगाव है, प्यार है, तो पंछियों को प्रति हम अपना प्यार ऐसे भी जता सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी उड़ान को रोककर हम उन्हें पिंजरे में रखें और
पिंजरे में कितना सफोकेशन होता होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं, हाँ, कि अरे बाद में ध्यान आता है अरे निकल गए, पानी तो रखा ही नहीं था, हाँ। खानदाना तो रखा ही नहीं था, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो बोल तो पाते नहीं है और वो पिंजरे में ही रहते हैं, उसकी साफ सफाई ठीक से हो पा रही है कि नहीं, वो नहा पा रहा है पंछी कि नहीं नहा पा रहा है, तो उसकी भी जो एक उन्मुक्त जीवन है उसके बारे में सोचना सबका फर्ज होता है। और पंछियों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, अगर उन्मुक्त वो उड़ते हैं या उड़ान भरते हैं उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए उड़ते चले जाते हैं, थकते नहीं है, थकते नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं थकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये पक्षी जो है वो पर्यावरण के बड़े जैसे रखवाले होते हैं ना, हाँ। रक्षक होते हैं ये, हाँ। देखो ना किसी खास मौसम में कुछ चिड़िया कुछ पक्षी आते हैं, हाँ। किसी खास जगह पर आते हैं, साइबेरियन के, हाँ। और कुछ और पक्षी कहीं और उड़कर चले जाते हैं किसी खास मौके पर, हाँ। तो इस तरह से पक्षियों का आना जाना भी जैसे मौसम का एक जो चक्र चलता है उसमें सहायक रहता है, हाँ। तो पक्षी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी तरह एक जीव है, बल्कि हमारे बहुत ही काम आने वाले जीव हैं, तो उन्हें दुखी करके, हाँ। क्योंकि कुछ देर के लिए अगर हम भी बैठ जाए ना तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा, कहीं बंद करके बैठा दिया जाए, हाँ। तो उन्हें दुखी करके अपने लिए एक जरा सा ये संतोष सोचना कि हम इसे बड़ी अच्छी तरह रख रहे हैं, हाँ। नहीं, नहीं अच्छी तरह रख रहे हैं, अगर रखा है तो खोल दीजिए पिंजरा ताकि वो उड़ सके और जा पाए। और उनको तो पता भी है कि सबको पता होता है कि जब वो उड़ेंगे आसमान में तो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पिंजरे में रहते हैं। और इंसानों का तो उड़ने का मन करता है, तो देखिए फिर हवाई जहाज वगैरह है उससे बड़ी अच्छी सी सैर की जा सकती है, हाँ। और अनुभव किया जा सकता है। तो जो पेड़ में रहते हैं वहाँ के फल खाते हैं, पेड़ पे बैठ पाते हैं, बगीचों में घूम पाते हैं, तो ये सब करने दें उन्हें, करने दें। और इसके लिए पेड़ लगा लीजिए, हाँ, लगाइए, पिंजरे की बजाय पेड़ लगाइए, हाँ बिल्कुल लगाइए। और जब वो आएंगे अपना बसेरा बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ। झुक जाए
देखो पंछियों को आज़ाद छोड़ना चाहिए और पंछियों के साथ साथ अपने अपनी आज़ादी को भी बिल्कुल कायम रखना चाहिए। नहीं तो वो उड़ते हैं तो ऐसा लगता ही है कि हम भी आज़ाद हैं बिल्कुल, और अब हम भी बिल्कुल अच्छे से उड़ रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। अच्छा हल्का तो महसूस कर रही है, लेकिन भाई जरा रसोई का भी तो रुख कर लो। हाँ हाँ जी बिल्कुल, तो क्या बताएंगी? सोच रहे हैं कि रसमलाई बनाई जाए। बनाइए मीठी मीठी। तो रसमलाई बनाने के लिए सामग्री नोट कर लें। एक लीटर गाय का दूध, एक लीटर फुल क्रीम दूध, गाय के दूध का छेना और जो क्रीम का फुल क्रीम दूध है उसको गाढ़ा करना है। काजू बादाम और पिस्ता ये सब पतले कटे हुए। अब क्या करना है, और साथ में केसर हो, इलायची पाउडर हो, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून पानी में मिला लें, उसे छेना बना लें, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी आधा चम्मच रहे पास में, और 1.5 कप चीनी, ये सामग्री आपको चाहिए होगी। तो छेना बनाने के लिए क्या करें कि जो फुल क्रीम दूध है गाय वाला उसको गर्म होने पर, गाय का जो दूध है, फुल क्रीम को तो हमें गाढ़ा करना है, जो गाय का दूध है उसको गर्म होने पर उतार कर जाली स्टैंड में रखें, और जो नींबू का रस है जिसमें आपने पानी मिलाकर रखा हुआ है 2 टेबल स्पून नींबू का रस, वो निचोड़ दें और उससे छेना बना लें छान कर। छेने को कुछ रगड़ना पड़ता है, मसलना पड़ता है, ताकि जो उसमें होते हैं ना दाने के अंश होते हैं वो सब निकल जाए। तो उसे मसल कर बिल्कुल एकदम एक सार कर लें, सॉफ्ट बना लें, और उसमें कॉर्नफ्लोर मिला लें, और उसको भी अच्छी तरीके से मसल लें। बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि चिकना हो जाना चाहिए आपका, जो उसमें दूध के दाने होते हैं वो नहीं रहने चाहिए। फिर उसके गोले बना लें। अब दूध जो हमने फुल क्रीम वाला चढ़ा दिया है गैस पे, तो उसको गाढ़ा गाढ़ा उबलने दीजिए, दूध गाढ़ा होता जाएगा, और जब आधा हो जाए तो उसमें काजू और पिस्ते के और केसर के धागे और इलायची पाउडर मिला दें और उबलने दें। चाशनी के लिए 1.5 कप चीनी और 4 कप पानी डालकर उबालें, और उसमें छेने के गोले डाल दें और 15 मिनट तक पकने दें। दूध में 1/2 कप चीनी डाल दें, दूध और रसमलाई ठंडी होने दें, और रसमलाई को चाशनी से निकाल कर दूध में डाल दें। थोड़ा निचोड़ के डालिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि उठा उठा के डाल दिया। और उसे पिस्ते से गार्निश कर दें। फिर खा लें। खा लें फिर। जी तो एक और बता दें, शरीफे की बात सुन दी, खीर यानी कि, तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2 शरीफे अच्छे पके हुए, 6 इलायची छोटी कुटी हुई, चीनी 1/4 कप या अंदाज से कम ज़्यादा आप कर लीजिए, पिस्ता थोड़े से पतले काट लें और गार्निश करने के लिए इसे। और एक चीज़ और है कि जो शरीफा है राजुल जी, वो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो ये फ़ायदा भी बहुत करता है। शरीफे के पल्प को आपको निकाल लेना है, उसे क्रश कर बीज निकाल लीजिए, दूध को उबालकर आधा होने तक गाढ़ा कर लीजिए, यानी 1/2 लीटर तक रह जाए, इसमें इलायची और शरीफे का पल्प डाल दें, इलायची को कूट कर डालें और फिर चलाते रहें, चीनी अंदाज से डाल दें क्योंकि शरीफा मीठा होता है, तो फिर उस पर ज़्यादा ना हो जाए चीनी, फिर अंदाज से उसमें इलायची पाउडर वगैरह, चीनी वगैरह थोड़ी देर और पका लें आप, 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें, फिर इसमें शरीफे का पल्प मिला दें ठीक से, इसे कटोरी में निकाल कर पिस्ता कतरन से गार्निश करें, और थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा सा खा सकते। क्या बात है। तो भाई मुंह मीठा मीठा हो रहा है। हाँ। और देखो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पंछियों के लिए हमने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा चबूतरा बनाया जिसमें कई सारी गौरैया के अलावा विभिन्न प्रजातियों के पंछी भी दाना चुगने दिन भर आया करते हैं, और गौरैया के लिए घोंसला घर भी लगाए हैं, दिन भर पंछियों की चहचहाट होती रहती है, मतलब कहीं रखा नहीं है उन्हें, बांध के नहीं रखा है, पकड़ के नहीं रखा है, वो आते हैं जाते हैं, तो इस तरह जब पंछी रहते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम एक और बताएंगे रेसिपी या गाना सुनेंगे? गाना सुन लेते। Thank you.
क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। चुप चुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या आ तो है सजनी ले चलू नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे नदिया हमार। गए क्यों नैन तेरे झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार। संगीता देखो बातों बातों में वक्त कितना गुजर गया और अब इजाजत लेने का समय आ गया है। हाँ, तो आप सभी को संगीता श्रीवास्तव और संगीता और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।